है, मेरे बाजू में कैलाश साहू जी है और इनको तकलीफ है, अभी तक इनका टोकन निकट है। कैसे कैलाश जी? अभी तक रोज जा रहा हूँ टोकन के लिए, लेकिन कभी टोकन नहीं देते, मतलब बात नहीं करते कर्मचारी लोग, ऐसी स्थिति है यहाँ। आपके गांव में और आजू बाजू में किन किसान का? कई किसान तो ऐसे हैं जो धान लेकर के जब जाते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जा रहा है। कौन किसान है जिनका ब्लैक लिस्ट में डाले हैं? हाड़ा पत्रा में माधव है, और दो चार किसान हैं जिनका नाम ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिए हैं। अब देखो किसानों का धान जो है वापस किया जा रहा है वहाँ से, ऐसा भी है। जोडापाली में ऋषिकेश साव करके किसान है, उसका धान वापस कर दिए हैं। अब देखें ऋषिकेश साव का वापस कर दिए धान, माधव साह का ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं। अब ब्लैक लिस्ट अभी तक खुलेगा नहीं, वो धान कब बेचेगा किसान? इस प्रकार से समस्या बरौली बसना क्षेत्र में भी किसानों के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रही है, ना टोकन, कैलाश जी का अभी तक टोकन नहीं कटा, माधव जी हड़ा पथरा का धान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, और केवटा पाली के ऋषिकेश का धान वापस कर दिया गया। आपका कौन सा सल्डी, कौन सा गांव है? सल्डी है। सल्डी है। अब ये बुजुर्ग है, परेशान में है, इनका धान बिक नहीं रहा है, क्या हालचाल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बिल्कुल बिके, पहले तो जो लेते थे माने वो सरकार जो है पहले ज्यादा लिमिट बनाई थी, उसके बाद कम कर दिया, उसके बाद भी कम कर दिया। स्थिति ऐसा हो गया है कि हम लोगों का पूरा धान वो जितने हैं वो तो बेच ही नहीं पाएगा, आधे से ज्यादा धान बच जाएगा हमारा। अब ये देखो सल्डी से आए हैं, इनका कहना है कि ये स्थिति रही तो केवल 30-40% धान बिकेगा आपके गांव में। हाँ, 30-40 बिकेगा। अब ये एक बार बेच पाए हैं और इनका इतनी जमीन है नहीं, इस प्रकार से ये जो नीति है सरकार की कि इस नीति के तहत किसान का आधा धान ही बिक पाएगा और पूरे धान रह जाएगा। जैसे इस गांव में चार परिवार के यहाँ मातम है, चार परिवार में शादी होना है, अब वो जाके व्यापारी के पास भी नहीं बेच पा रहे हैं, और मातम वाले बेचारे परेशान हैं, इधर सिर पे बेटी का विवाह है और विवाह के सामान कैसे खरीदेंगे, धान नहीं बेच रहा है। तो इस प्रकार से भारी अव्यवस्था, भारी दुर्दशा पूरी छत्तीसगढ़ में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में है। आज हम सब किसानों के साथ बैठ करके इस चर्चा किए हैं और इसको सरकार के पास ले जाने का पूरी प्रयास करेंगे। धान बेचने के लिए क्या क्या का परेशानी आ रहा है? अरे भैया, धान बेचने के लिए सर से पांव तक परेशान, टोकन नहीं है, फरवरी तक माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा भरोसा नहीं है, आंगन में धान भरा हुआ है, गाजा आ रहा है, वो गाजे का भरपाई कहाँ से करेंगे? कम से कम 20-25 बोरा में गाजा आ गया धान रखे रखे, और धान अभी बिकने की कोई संभावना नहीं है, एक घाटा कौन पूरा करेगा भैया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नकुल साहू है। और आपका टोकन कहाँ से कटना था? गढ़पुंजर से। गढ़पुंजर धान खरीदे केंद्र से? हाँ, वहाँ फरवरी तक कट गया है टोकन। तो आपका टोकन कटा है कि नहीं कटा है? अरे कहाँ कटा है यार, नहीं कटा है, आपका नंबर ही नहीं आया है। एक बार भी नहीं बेचे हैं भैया। आप एक बार भी अभी तक धान नहीं बेचे हो? आपके साथ ऐसे और कितने किसान है? यहाँ से बहुत सारे किसान हैं, बरौली के आधे से ज्यादा किसान हैं। लगभग लगभग एक बार भी धान नहीं बेचे हैं? जो एक बार भी धान नहीं बेचे हैं। क्या क्या परेशानी है बताइए? मेरे बाबूजी के नाम में अभी आज तक मैंने टोकन नहीं कटा है एक बार। आपके बाबूजी का नाम क्या है? नीलकंठ साहू, ग्राम कुरचुंडी, गढ़पुंजर सोसाइटी के आश्रित ग्राम कुरचुंडी में धान खरीदी होता है। तो आपका टोकन कहाँ से कटना था? ये बस वही गढ़पुंजर से आश्रित कुरचुंडी धान खरीदी कर लिया, कुरचुंडी के उपकेंद्र से। तो एक मतलब टोकन नहीं कटा है आज तक? टोकन नहीं कटा है एक बार मेरे बाबूजी के नाम से। तो अब वहाँ आवेदन दिए थे तो कौन से डेट में दिए थे, कितने दिन बाद तक अभी तक टोकन? अभी तक तो नहीं कटा है, काटेंगे करके बोलते हैं। बड़े किसानों का कोई अभी है, छोटे किसान का जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही बड़े किसान का मौका दिया जाएगा। कितना दिन हो गया आपका आवेदन लगाया? आवेदन का वो शुरू से बस लाइन में लगते हैं रोज, शुक्रवार और गुरुवार सोमवार को, उसके बाद हम लोगों को भगा देते हैं। एक बार जैसे टोकन कटता है तो कितने धान खरीदिए मतलब बेच पाओगे एक बार में? एक बार में अब 200 पैकेट, अब 200 पैकेट तो ले रहे हैं सर, 80 क्विंटल। आपका धान हो जाएगा? नहीं होगा, मैं तो बड़ा किसान हूँ, मतलब एक बार टोकन, दो बार टोकन कटेगा तो बार भी नहीं कटे, नहीं कटेगा तो नहीं बिक्री होगा।
मेरा नाम हेमचंद्र साहब है, मैं बिछिया सोसाइटी में धान बेचता हूँ। मैं चार बार लाइन लगा, चार पांच बार लगा चुका हूँ। अभी तक मेरा दादाजी का नाम है धनवाल साहब है, उसके नाम से टोकन कटना था, अभी तक नहीं कटा है। अब मेरा चाचा है मुक्तेश्वर साहब, उसका नाम भी कटना था, अभी तक एक बार नहीं बेचा है। और हम लोग पुष्पुण्य त्यौहार कर्जा से मनाए हैं, और उसके बाद अभी शादी पर भी आए, कहाँ से खर्चा करें, कैसे करें, ये सब हमारे पर बहुत बड़ी परेशानी है। किसी को कर्जा लेना पड़ रहा है, किसी को दूसरे के भरोसे से रहना पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है किसान। और अंत में क्या करेगा किसान, अगर धान नहीं लेगा सरकार तो आखिर में भगवान भरोसा है उसका। किसान है और वो सब आए हैं, आपके हरा पथरा के किसान जिनका धान को माधो का ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, वैसे सल्डी से हमारे आए हैं सर जी, उनका भी अभी तक धान नहीं खरीदा गया है, सल्डी में अभी तक केवल 20% खरीदा गया है। तो ऐसे किसानों के समस्या से रूबरू होने और इस सरकार की जो धान खरीदी है, जो किसान विरोधी नीति है, उसको लोगों से चर्चा करने आए हैं और किसान अपनी समस्या बता रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति रही तो धान खरीदी मुश्किल से 40-50% ही खरीदा जाएगा। इस गांव में चार परिवार के में मातम है और चार परिवार किसान के बेटी की शादी है, अब वो कैसे खरीदेगा, व्यापारी को बेच नहीं सकता, मंडी में उनका टोकन नहीं कट रहा है, बेटी की शादी कैसे करेंगे, ये बड़ा समस्या इस गांव में 8 परिवार में गुजर रहा है, टोकन नहीं कट रहा है। ये सारी समस्या को लेकर के आज हम एक किसान सभा किए हैं, जिसमें बात पर बात ऐसा हम नाम दिए हैं और किसानों की समस्या को आज आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात जाए कि गांव-गांव में जो किसान के ऊपर जो समस्या है वो समस्या का जल्द समाधान हो, किसान का धान खरीदा जाए, किसान के समस्या को समाधान करने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। बया एक किसान है जो उसकी बेटी जल गई थी, अब वो धान बेचने व्यापारी के पास आ रहे थे ट्रैक्टर में, इतना संवेदनहीन पुलिस कि जले हुई बेटी के इलाज के लिए धान बेचने आए थे, पूरी ट्रक के साथ जिस प्रकार से जब्ती बनाई गई ट्रैक्टर के साथ, ये असंवेदनशील जो नीति है इनकी, उसका हम विरोध कर रहे हैं और आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं कि किसान के धान पूरी खरीदा जाए, उन्होंने जो वादा किया है वो वादा पूरा करें।